क्या ह्यूमंस और डायनासोर एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं? ओवेन के वेलोसिराप्टर इतने बड़े कैसे हुए? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे जुरासिक वर्ल्ड फ्रेंचाइजी की लास्ट मूवी के बारे में। तो दोस्तों, जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन मूवी, जिसका ट्रेलर पिछले वीक ही लॉन्च किया गया था, इस फ्रेंचाइजी की आखिरी मूवी होने वाली है, जिसके साथ जुरासिक पार्क और जुरासिक वर्ल्ड मूवीज की सीरीज को एक प्रॉपर फिनिशिंग दी जाएगी। जैसा कि हमने अपनी एक पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इस मूवी में ह्यूमंस और डायनासोर एक साथ एक ही वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने वाले हैं, तो ये पूरा ट्रेलर एक तरफ से उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था, जहाँ दिखाया जा रहा था कि डायनासोर्स और ह्यूमन की कोएग्जिस्टेंस से कितना ज्यादा बड़ा इकोलॉजिकल इम्बेलेंस क्रिएट हो रहा था नेचर में, जो कि हो रहा ही था क्योंकि डायनासोर्स के जमाने में ह्यूमंस नहीं हुआ करते थे और अब ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस में डायनासोर नहीं है, तो फिर अब ये दोनों स्पीसीज एक साथ कोलैबोरेट नहीं कर सकती। ट्रेलर के ओपनिंग सीन्स में ही एक शानदार शॉट दिखाया जाता है, जहां हमने प्यारे स्टार लॉर्ड यानी व्याट ओलेफ अपनी टीम के साथ घोड़ों पे सवार कुछ वेलोसिरेप्टर्स के साथ जा रहे थे, और ये उन्हीं के वेलोसिरेप्टर हैं जिन्हें हमने पिछली दोनों जुरासिक वर्ल्ड मूवी में देखा था दोस्तों। लेकिन अब ये वेलोसिरेप्टर साइज में काफी बड़े हो चुके हैं, जिसकी खास वजह है उनकी हैबिटेट, जहां पहले वो डायनासोर पिंजरे में बंद रहकर वहीं पे ग्रो कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अब वो नेचुरल आवास में खुल के ग्रो हो पा रहे हैं, जिस वजह से उनकी ग्रोथ रेट भी काफी ज्यादा है और स्पीड भी। पूरे ट्रेलर के मेन मोटिव की ये था कि वो इम्बेलेंस शोकेस कर सके, कि चाहे ह्यूमंस कितना भी चाहे और कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, टाइम पे दोनों स्पीसीज में सिर्फ एक ही अर्थ पे अपनी एग्जिस्टेंस को कायम रख सकता है, फिर चाहे वो ह्यूमंस हो या फिर डायनासोर दोस्तों, क्योंकि दोनों अगर एक साथ रहेंगी तो दोनों के बीच हद से ज्यादा क्लैशेस होंगे, जिससे ह्यूमंस का भी काफी ज्यादा नुकसान होगा और डायनासोर्स का भी, और इस पूरी प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, जिसके बारे में मेकर्स पिछली दो मूवीज में भी शोकेस करते आए हैं, कि डायनासोर्स को पूरी तरह से दोबारा विलुप्त कर दिया जाए। आपके अकॉर्डिंग विलुप्त करना एक सॉल्यूशन है या नहीं, और अगर नहीं तो क्या कर सकती है ह्यूमन जाति, इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। रही बात विलुप्त करने की, तो रियलिटी में डायनासोर्स की एंडिंग हुई थी वोल्केनिक विस्फोट और प्राकृतिक आपदाओं से, लेकिन अब ह्यूमंस को इन सभी डायनासोर्स को मैन्युअली खत्म करना होगा खुद ढूंढकर, और वो ऐसा कैसे करेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ दोस्तों। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें और सेफ रहें।